सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि दोबारा से उन्होंने मुझे आज मेयर कैंडिडेट नॉमिनेट किया था, और साथ ही समस्त पार्षद, जितने भी विधायक हैं नॉमिनेटेड विधायक, साथ में जितने भी सांसद, दिल्ली की जनता, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज एक बार फिर से मुझे महापौर बनने का मौका दिया। दिल्ली की जनता ने जो सपने देखे हैं, जो दिल्ली की जनता को हमने उम्मीदें दिखाई हैं, उन सबको पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी आज दोबारा से मिली है। और साथ ही मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ, दिल्ली की जनता को आश्वासन देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आश्वासन देती हूँ कि जो जिम्मेदारी आज फिर से दोबारा मिली है, और जैसे अभी तक ईमानदारी से और साफ नीयत से मैं नगर निगम के कामों को करती आई हूँ, वैसे ही नगर निगम के कामों को करती रहूँगी। साथ ही जो सपने हैं दिल्ली की जनता के, अच्छे स्कूल के, अच्छे अस्पताल के, अच्छी सड़कों के, अच्छे पार्क के, कर्मचारियों के जो भी मुद्दे हैं, उनकी तनख्वाह को लेकर, उनको रेगुलराइज करने को लेकर, उन सब मुद्दों पर हम ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो विजन है उस पर हम पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से हम सब मिलकर काम करेंगे। और राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष तरीके से मैं आपको ये भी आश्वासन देती हूँ कि सदन को चलाएंगे, संविधानिक रूप से हम सदन को चलाएंगे। और एक बार फिर से बहुत बहुत आप सबका आभार।